हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में नॉर्थ इंडिया ऑफिस के निदेशक माइकल रोसेंथल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात कर अमेरिका और हरियाणा के बीच सहयोग और संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने बताया कि हरियाणा उच्च शिक्षा, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में आकर्षण के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि हाल ही में आयोजित संपन्न टोक्यो ओलंपिक के दौरान हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक हासिल कर अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज की। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में हुए विकास की जानकारी को देते हुए हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा के सरकारी संस्थानों के अलावा 23 निजी विश्वविद्यालय हैं और 5 अन्य पाइपलाइन में हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, फैकल्टी एक्सचेंज, सेमेस्टर एक्सचेंज समेत एक्सचेंज प्रोग्राम की पर्याप्त संभावना है, जिन्हें अमेरिका और हरियाणा के बीच सुगम बनाया जा सकता है।